नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सी आशु डालमिया। आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जीएसटी इंडिया। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट इशू के बारे में डिस्कस करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट इनटू जीएसटी रिजीम। इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम लोग अवेल करते हैं, जो भी हम गुड्स या सर्विसेज पर लेते हैं, वो हमारे लिए कैश के इक्विवेलेंट है, क्योंकि जितना हम टैक्स पे करते हैं उसमें से ITC घटा के नेट टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाता है। बट इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए GST लॉ के अंदर अपनी कुछ कंडीशंस हैं, कुछ प्रोसीजर्स हैं। अगर हम आज उन कंडीशंस और प्रोसीजर्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कल की डेट में असेसमेंट के समय या ऑडिट के समय हमारे खिलाफ डिमांड निकाली जा सकती है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि ITC लेते समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं और डॉक्यूमेंटेशंस को कैसे रखना है। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ITC लेने के लिए सेक्शन 16 CGST एक्ट के अंदर चार कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि हमें गुड्स या सर्विसेज रिसीव हो जानी चाहिए। तो इस कंडीशंस को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को जब ही लें जब हमें वो गुड्स या सर्विसेज मिल गई हों। और गुड्स के केस में ये ज़रूरी है कि हमारे पास स्टॉक रिकॉर्ड्स भी मेंटेन्ड हो, जो ये एस्टेब्लिश कर सकें कि हमने गुड्स कब रिसीव किए हैं और एक्चुअल में रिसीव कर लिए हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं उसके लिए एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और वो डॉक्यूमेंट रूल 36 के हिसाब से या तो टैक्स इनवॉइस हो सकता है या डेबिट नोट हो सकता है। अगर हम गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं तो बिल ऑफ एंट्री हो सकता है, और अगर ISD के थ्रू ISD मैकेनिज्म के थ्रू हम क्रेडिट अवेल कर रहे हैं तो ISD की इनवॉइस हो सकती है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, जितना भी हम ITC क्लेम कर रहे हैं इन चारों डॉक्यूमेंट में से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अगेंस्ट हम ITC क्लेम करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो हम जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ITC क्लेम कर रहे हैं, हर डॉक्यूमेंट का GST लॉ के अंदर एक स्पेसिफाइड कंटेंट दिए हुए हैं कि उस कंटेंट के हिसाब से वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर टैक्स इनवॉइस की अगर हम बात करें तो रूल 46 है CGST रूल के अंदर, जो कि बताता है कि टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या कंटेंट होने चाहिए। जब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हैं हमें ये ध्यान रखना होगा, पहली चीज़ हमारे पास चारों में से कोई एक डॉक्यूमेंट हो, टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, ISD इनवॉइस या बिल ऑफ एंट्री। दूसरी बात, जब हम इन डॉक्यूमेंट्स को देखें तो इसके अंदर जो हमारे रूल्स के अंदर स्पेसिफाइड कंटेंट हैं वो हमारे पास होने चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि वेंडर ने टैक्स पे कर दिया है कि नहीं कर दिया है। प्रैक्टिकली अगर बोला जाए तो आज की डेट में हमारे पास इस तरह की कोई मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है जिससे हम वेरीफाई कर सकें कि वेंडर ने टैक्स पे किया है या नहीं किया है। एट द एंड ऑफ डे हम ये वेरीफाई कर सकते हैं कि वेंडर्स ने 3B फाइल किया है कि नहीं किया है, और हमारे 2A में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और चौथी कंडीशन है कि हमने रिटर्न्स फाइल किए हों। आज की डेट में क्यों रिलेवेंट है कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को और ITC को प्रॉपरली क्लेम करें, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम उस चीज़ को नहीं करते हैं तो 122 के अंदर 21 स्पेसिफाइड पेनल्टीज़ हैं। उसमें से दो पेनल्टीज़ जो कहीं ना कहीं हमें इस तरफ ले जाएंगी। पहली, अगर हम GST लॉ के हिसाब से डॉक्यूमेंट्स मेंटेन नहीं रखते हैं, रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं रखते हैं, तो 122 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दूसरा, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए और हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है, तो गवर्नमेंट कल के डेट में डिपार्टमेंट अलर्ट कर सकता है कि आपने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव नहीं करे हैं और आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, इन सब इनकन्वीनियंस से बचने के लिए, कल के डेट में अननेसेसरी पेनल्टी से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी हम इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर रहे हों प्रॉपरली हम ये इंश्योर कर लें कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट प्रॉपर डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट है और सारी कंडीशंस को पूरी कर रहे हैं, तभी हम ले पा रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट में याद रखना है, अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम यूज़ कर रहे हैं अगर वो हम टैक्सेबल सप्लाई, अपनी आउटवर्ल्ड टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो हमें पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं अवेल होगा। अगर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कुछ पोर्शन हम एग्जम्प्टेड सप्लाई भी कर रहे हैं और टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, तो हमें अपोर्शनमेंट करके रूल 42-43 के हिसाब से जो हमारा आउटवर्ल्ड टैक्सेबल सप्लाई है उसके अगेंस्ट ही हम जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसी को क्लेम कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड हम ITC को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे, बहुत छोटे छोटे प्रिकॉशंस थे जो हमें ध्यान रखने होंगे जब हम ITC क्लेम करेंगे, ताकि फ्यूचर में हमें दिक्कतें ना हों। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।